हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पंजाब के नवांशहर से ये खबर आ रही है, कोरोना वायरस के चलते एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। देश में कोरोना से एक और मौत हो गई है, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। पंजाब के नवांशहर में कोरोना से एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब चार हो गई है। 167 पॉजिटिव केसेस कुल इस वक्त देश में कोरोना को लेकर आपके सामने हैं। जगविंदर पटियाल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जगविंदर, ये अच्छी खबर नहीं पंजाब से? देखिए, पंजाब में ये पहली मौत हुई है रूबिका, और इससे पहले अमृतसर में एक केस पॉजिटिव पाया गया था। लेकिन नवांशहर में अचानक जब मौत की खबर आई तो मेडिकल में लगे तमाम डॉक्टरों ने इस बात की पुष्टि नहीं की, लेकिन सीएमओ ने हमें इस बात का सबसे पहले संज्ञान लेते हुए बताया कि एक शख्स की मौत हुई है। वो जर्मनी और इटली से लौटे थे, 70 साल के हैं। उनके गांव को पूरी तरह से जिला प्रशासन ने सील कर दिया है ताकि वो आने के बाद जिस भी शख्स से मिले हो उस शख्स को भी उपचार के लिए अस्पताल ले जाया जा सके। लेकिन ये पहली मौत हुई है, वाकई ये बहुत बुरी खबर है, और इसको रोकने के लिए पंजाब सरकार ने कमर कसी है और उन्होंने एक तरह से पूरी तरह से कल से लॉकडाउन करने का फैसला किया है। कल से तमाम सर्विस बंद की जा रही है, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो मैरिज पैलेस हो, चाहे वो बसेज हो, चाहे प्राइवेट है, सरकारी है, ऑटो है, टेम्पो है, सब चीजों को बंद करने का ऐलान कल से कर दिया गया है। बड़े फैसले कैबिनेट ने लिए हैं और उन फैसलों में ये भी है कि सारे बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है, जितने भी सार्वजनिक ट्रांसपोर्टेशन हैं उन सब पर भी रोक लगा दी गई है। जगविंदर, निजी बसेस के संचालन को भी बंद कर दिया गया है। बिल्कुल सही कह रही हैं रूबिका आप, और उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से सीबीएसई ने फैसला लिया है, पंजाब बोर्ड शिक्षा विभाग भी उसी तरह से अब सीबीएसई की तरह ही एग्जाम 31 मार्च के बाद करवाएगा, और बाकी जहां पर भी भीड़भाड़ वाली संख्या के लिए 50 लोगों को अनुमति दी गई थी, अब उसे घटाकर 20 लोग कर दिया गया है। यानी कोई शादी विवाह पार्टी या कोई भी और सामाजिक कार्यक्रम होता है तो इससे पहले मंत्रियों के समूह ने कहा था 50 लोग से ज्यादा इकट्ठा नहीं होंगे, लेकिन आज ये फैसला लिया गया है कि 20 लोगों से ज्यादा कोई भी आदमी किसी भी कार्यक्रम में इकट्ठे नहीं होंगे। सरकार ने यह ऐलान कर दिया है और ये भी कहा गया है कि जो लोग इसके पीड़ित हैं कोरोना से उनकी स्टैंपिंग की जाएगी ताकि कोई हॉस्पिटल से भाग जाता है या कोई उसको देख लेता है तो ताकि इन सब घटनाओं को रोका जा सके। ये कड़े कदम उठाए गए हैं। ओके जगविंदर, प्लीज आप भी अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो कोरोना वायरस के खतरे को लेकर आप देख रहे हैं पूरा देश इस वक्त अलर्ट है। क्यों है एबीपी लाइव न्यूज लवर्स का फेवरेट? Work deadlines may be stay updated always. So smart ki ye kare sirf blue tick wali news pick. Just like ghar jaisa comfort hai best, waise hi apni language mein news ki feel hai lit. Anytime food delivery ke time par mili apne favorite anchor se kisi bhi time. ABP Live app ke saath raho sabse aage. Download now. Kyun hai ABP Live news lovers ka favorite? Work deadlines may be stay updated always. So smart ki ye kare sirf blue tick wali news pick. Just like ghar jaisa comfort hai best, waise hi apni language mein news ki feel hai lit. Anytime food delivery ke time par mili apne favorite anchor se kisi bhi time. ABP Live app ke saath raho sabse aage. Download now. Main Shekhar Kapoor leke aa raha hoon प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।